हेलो नवाल, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। बात हो सकती है अभी? आप बिजी तो नहीं हैं? कबीर, आपको मेरे साथ इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। नवाल, आप ये मत समझिएगा कि मैं इल्हाम को ढाल बनाकर या आपको इमोशनल कर आपसे शादी करना चाहता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए नवाल, आप पर इस हवाले से कोई प्रेशर, कोई जबरदस्ती नहीं है। कबीर, आप बहुत अच्छे हैं। अगर मैं कहूं कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, तो आप मेरी बात का बुरा तो नहीं मानेंगे? अरे नहीं, आप कैसी बातें कर रही हैं? इसमें बुरा मनाने वाली कौन सी बात है? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। नवाल, आपको जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। इनकार करना आपका हक है। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि कोई जबरदस्ती नहीं है। इनफैक्ट सच बताऊं तो मुझे बहुत एम्बेरसमेंट फील हो रही है। मैंने भाभी को मना भी किया था कि मत जाइएगा, और अगर जाना भी हो तो इस किस्म की बात मत कीजिएगा। वीर, आप जानते हैं कि जब हमजा ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था कि मैं आपके साथ इन्वॉल्व हूँ, तो कई रातों तक मैं सो नहीं पाई थी, जिसकी बात से बहुत तकलीफ हुई थी। अगर मैं आपसे शादी कर लेती हूँ तो हमजा के वो तमाम इल्ज़ाम सच हो जाएंगे। लोगों को यही लगेगा कि वाकई हम दोनों के दरमियान कुछ चल रहा था। लोग सवाल करना शुरू कर देंगे, मैं किस किस को जाके जवाब दूंगी? आप जानते हैं, सबसे मुश्किल चीज करना इंसान के लिए अपने किरदार की गवाही देना होता है। आप सच बोल रहे होते हैं, लेकिन लोगों को यकीन नहीं होता। आप ठीक कह रही हैं, ऐसे ही होता। बारह, आप फिक्र मत करें, मुझे आपके जवाब का अंदाजा था कि क्या होगा। वो आलिया कह रही थी कि वो फोन करेंगी। उनसे मैं खुद बात कर लूंगा, आप परेशान ना हो। वो आपको फोन करके तंग नहीं करेंगी। थैंक यू कबीर। मिनटों में दुनिया भर में पैसे भेजें, ना कोई ट्रांजैक्शन फीस, ना कोई एडिशनल चार्जेस। अभी डाउनलोड करें स्पीड रेमिट ऐप।